नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखा दिया जो आज तक संभव नहीं था। योगी पहले ऐसे सीएम है जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा जीत कर आए हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी ने 403 में से 273 सीटों पर जीत दर्ज की है और बीजेपी को अकेले दम पर 255 सीटें मिली हैं। बीजेपी की जीत का जश्न कल से ही जारी है और अब 2024 की तैयारी है। आज पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो एक मेगा रोड शो भी करने वाले हैं। आपको बता दें, यह उस वक्त की तस्वीर देख रहे हैं जिस वक्त जीत के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। पार्टी दफ्तर में जमकर गुलाल उड़ाए गए और साथ ही साथ जो प्रचंड जीत मिली है उसको लेकर मोदी योगी के नारे भी लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका जिक्र किया था कल जीत के बाद कि 2022 की यह जीत यह तय कर चुकी है कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की जीत होने जा रही है। और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया 2017 के जीत का, जिसके बाद 2019 की जीत मिली थी। तो आपको बता दें, अगर बात करते हैं 2022 की, तो 2022 में बीजेपी ने 403 में से जो सीटें जीती हैं, 255 तो अपने दम पर, लेकिन बीजेपी प्लस यानी कि निषाद पार्टी और अपना दल को मिला दिया जाए तो बीजेपी ने 273 सीटों पर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी और साथ ही उसके साथ जो गठबंधन थे उन्हें कुल मिलाकर 125 सीटें मिली हैं। बसपा, जिसकी सीटें 2017 से कम होकर एक तक पहुंच गई, कांग्रेस 2 और जो अन्य है उनके खाते में 2 सीटें गई हैं। चुनाव नतीजों के बाद अब बात करते हैं कि 24 घंटे बाद एसपी अध्यक्ष ने किस तरह से ट्वीट करके पहला रिएक्शन दिया है। अखिलेश ने ट्वीट करके सीट और वोट परसेंटेज बढ़ने पर प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया है कि बीजेपी की सीट घट सकती है और यह घटाव आगे भी जारी रहेगा। तो यह आप ट्वीट देख रहे हैं जो अखिलेश यादव ने कल चुनाव के नतीजे आने के बाद किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके क्या लिखा यह भी आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना व मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमने दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है और भाजपा का यह घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है और बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जारी रहने वाला है और जीतेगा। और पहले फेज से ही बीजेपी को मिली बंपर लीड। पहले फेज की 58 सीटों में ही बीजेपी को 46 सीटें मिल गई हैं और एसपी प्लस को पहले फेज में सिर्फ 12 सीटें मिल पाई हैं। अब ये बहुत अहम है। जी हां, इस पूरे चुनाव का सबसे इंटरेस्टिंग फेज पहला फेज इसलिए था क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव था, जहां पर यह बताया जा रहा है कि जाट नाराज है, किसान नाराज है बीजेपी से। लेकिन हुआ क्या, पहले ही फेज में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की। 58 सीटों में से आप सोचिए कि 43 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एसपी प्लस, जिसमें कि आरएलडी शामिल है और सपा शामिल है, उनको 12 सीटें मिला है। तो जो नैरेटिव सेट किया गया था चुनाव से पहले कि किसान आंदोलन हुआ है, किसान नाराज है, जाट नाराज है, उसको पूरी तरह से पहले फेज ने पलट दिया। तो इसका मतलब साफ था कि जो नैरेटिव दिया जा रहा था, जो बताया जा रहा था, वो किस तरह से फेल हुआ। और बीजेपी, योगी और मोदी का जो कॉम्बिनेशन था, या क्यों कहें कि योगी और मोदी का जो कॉम्बिनेशन था, उसने हर एक नैरेटिव को तोड़ते हुए बीजेपी को पहले ही फेस में वो विनिंग स्पीड दे दी, जिसके जरिए आज एक बार फिर से बीजेपी इस चुनावी मैदान में जीत हासिल करने के बाद सरकार बनाने जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।